आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। रीट की परीक्षा देकर आई 22 वर्षीय युवती ने कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। जोधपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पाली की 22 वर्षीय युवती ने किराए के कमरे में फांसी लगा ली। परिजनों की इसकी जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए, वे तुरंत जोधपुर पहुंचे। बुधवार को नारलाई में अंतिम संस्कार किया गया। युवती ने रीट की परीक्षा दी थी, इसके दो दिन बाद 28 सितंबर को अपने कमरे पर फांसी लगा ली। नारलाई गांव की 22 वर्षीय सुमन कंवर डोडिया जोधपुर में सरदारपुरा सी एरिए में अपनी एक सहेली के साथ किराए के रूम में रहती थी। दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सुमन का आईएएस बनने का सपना था। परिजनों ने बताया कि सुमन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसने बीएड किया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जोधपुर में रहती थी। दो दिन गांव में रहने के बाद वह जोधपुर चली गई, रीट की परीक्षा दी। 28 सितंबर को जोधपुर में अपने किराए के कमरे में फांसी लगा ली। उस समय उसकी रूम पार्टनर गाँव गई हुई थी। सुमन के कमरे में पुलिस को एक नोट मिला, इसमें 35 बार एक ही लाइन लिखी मिली, रीट का एग्जाम अच्छा हुआ, जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, जय ओम बन्ना की। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। होनहार बेटी के यूं आत्महत्या करने से परिजन सदमे में हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली। उन्हें लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुमन की माँ धापु कंवर देसेरू में एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत है। सुमन उनकी बड़ी बेटी थी। रोते हुए धापु कंवर कहती है कि उनका सपना आईएएस बनकर परिवार का नाम रोशन करना था, फिर ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। कोई परेशानी थी तो एक बार बोल देती, ऐसा कदम क्यों उठाया। नारलाई निवासी भीख सिंह की पहली पत्नी की मौत होने पर उन्होंने धापु कंवर से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद उन्हें सुमन व प्रेरणा दो बेटियां हुई। प्रेरणा 12वीं में पढ़ती है। भीख सिंह 80 साल के हैं। वे पिछले कई सालों से मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी धापु कंवर के कंधों पर थी। बेटी सुमन को आईएएस बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होने के बाद भी उन्होंने सुमन को पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया, बीएड करवाई और जोधपुर में आईएएस की कोचिंग करवा रही थी ताकि उसका सपना पूरा हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।